Assalamualaikum बेटा, उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। बेटा कल हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अपने स्टार्ट किया था, इसमें सम ऑफ सीरीज को हमने स्टार्ट किया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज का हम सम कैसे करते हैं। आज के हवाले से मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा और इसके रेस्ट ऑफ दी थ्री पार्ट आपके लिए एज अ होमवर्क है। अगर आप इस एक सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ये बाकी तीन सवाल घर में खुद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5.50, लिखा हुआ है सम द फॉलोइंग सीरीज। क्या आपने सीरीज को सम करना है? मैं पहला पार्ट आप लोगों को करवा रहा हूं, 2+22+222+ एंड सो ऑन। ठीक है, सवाल को गौर से समझा गया, आपके पास एन टर्म्स तक, यानी कि उन्होंने लास्ट टर्म बता दी कि आपके पास एन टर्म क्या है, उन्होंने आपको लास्ट टर्म बता दी कि एन टर्म तक है। ये बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि आपने एस एन करना है। क्या करना है? एस एन कैलकुलेट करना है। मैं यहां पर लिख लेता हूं सबसे पहले एस एन मेरे पास किसके इक्वल होगा, 2+22+222+4×2+ एंड सो ऑन टू एन टर्म्स। अब यहां पर देखें, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लू तो मेरे पास अंदर क्या रहता है, 1+11+2×n terms, ऐसे ही है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद अगर इसी को मैं कहता हूं इस ऊपर की लाइन को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9, मैं इस पूरी को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं 9 से, तो मेरे पास एस एन क्या आ जाएगा, 2/9 × 2, ये 9 यहां पर आ गया, 1+11+111+4×1+2n terms। ये 9 इसके साथ अंदर पूरी सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, और ये मैं क्यों कर रहा हूं ये अभी आपको बताता हूं कि इसको 10 की फॉर्म में ला दूं, मेरे पास जितना और आसान क्वेश्चन हो सकता है। 9+11 हर एक वैल्यू के साथ, 9 × 1 = 9, फिर 9 इससे 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 99, फिर 9 × 1 = 1, तो ये क्या आ जाएगा, 999, फिर +999, फिर प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स। क्लियर होगी बात? यहां तक क्लियर है बेटा? ये आपके पास सारे के सारे यहां तक 9 के फॉर्म में आ गए। अब इसी को आगे जाऊं तो मैं यू लिख सकता हूं कि एस एन मेरे पास क्या आता है, 2/9, और यहां से मैं इसको यू लिख सकता हूं कि 10−1। देखें ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी ये 9, इसको मैं यू लिख सकता हूं 10−1। फिर इसी तरीके से मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको मैं 100−1 लिख सकता हूं, जो ये वाली वैल्यू है मेरे पास, इसको मैंने यू लिख लिया, ये देखें इसको मैंने यू लिख लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट आने वाली मेरी वैल्यू जो है उनको मैं लिख सकता हूं +1000−1+10000−1+n terms तक, इसको 2n terms। इसके बाद नेक्स्ट पे आ लेते हैं, नेक्स्ट पे यहां पे कर लेते हैं। मैं इसी को ही अपने पास, ये जो मेरे पास लिखी हुई है वैल्यू एस एन 2/9, मेरे पास जो 10 वाली है उनको मैं सेपरेट करता हूं, 10 प्लस
हंड्रेड प्लस थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस टू एन टर्म्स, ये देखें टेन फिर प्लस हो रही थी हंड्रेड फिर प्लस हो रही थी थाउजेंड एंड सो ऑन प्लस टेन थाउजेंड, तो मैंने जो टेन हंड्रेड की फॉर्म में थी उनको अलग कर दिया, फिर उसके बाद माइनस का साइन, क्यों ये माइनस वन था, ये मेरे पास माइनस वन क्या आ रहा है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड सो ऑन टू एन टर्म्स, ये भी तो मेरे पास एन टर्म्स तक जा रहा है, तो इसको अब मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि एस एन मेरे पास किस इक्वल है टू बाय नाइन, ये टेन प्लस हंड्रेड प्लस थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस टू एन टर्म्स, और यहां से मैं माइनस वन कॉमन ले लू या माइनस कॉमन ले लू तो मेरे पास अंदर ये सारे प्लस वन में चेंज हो जाएंगे टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक होगी मेरे पास, इसको जरा मैं सही नहीं करके लिखू टू एन टर्म्स, अब यहां पर देखें जरा इस सवाल सब को समझिएगा, इस सीरीज को अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है ए वन है ऐसे ही है, क्या आप मैं आर फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल मेरे पास आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन यानी कि नेक्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू, तो आर क्या आर है टेन आर ग्रेटर देन वन है और ए वन क्या है टेन है, जब आर आपके पास ग्रेटर देन वन होता है, आर क्या होता है ग्रेटर देन वन होता है, तो आप ये लिख सकते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला लिख देता हूं फॉर आर ग्रेटर देन वन, एस एन किसकी इक्वल होता है आपके पास ए वन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ये कल आपने फॉर्मूला किया ऐसा है कि नहीं, और मुझे बताएं कि ये जो आपके पास सीरीज चल रही है ये यहां से यहां तक ये जो आपके पास सीरीज चल रही है क्या ये आपके पास एन टर्म्स तक जा रही है, एस एन कैलकुलेट करके दे सकती है आपको, और दूसरी बात ये कि इसमें हर एक टर्म देखें मल्टीप्लाई होकर आ रही है किस से, टेन से मल्टीप्लाई होकर आ रही है, टेन 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 इज हंड्रेड हंड्रेड इज टेन थाउजेंड थाउजेंड टू टेन टेन थाउजेंड और एंड सो ऑन, इसी हायरार्की से चल रही है, तो अब आप इसमें क्या लिख लेंगे, इस वाले ऊपर स्टेप को यहां पर लेकर आए तो आप क्या लिखेंगे एस एन किसकी इक्वल है टू बाय नाइन, और यहां पे आप क्या लिखेंगे ए वन क्या है टेन आर क्या है टेन की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला एक बार कनेक्ट कर ले बेटा, ये आर की पावर एन ब्रैकेट में है और यहां से भी ये डिवाइड बाय नाइन, क्लियर होगी, और यहां पे मैं लिख देता हूं टेन माइनस वन लिख देता हूं माइनस माइनस, अब यहां पर देखिए एक ये क्या बन रही है वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर, तो ये कहां तक जा रहा है एन तक जा रहा है, तो इसको यहां पर आप इसको बेशक यहां पे क्लोज कर ले, ठीक हो गया, यहां से इसको शुरू करें यहां पे इसको क्लोज कर ले, उसके बाद नेक्स्ट एक मैं इसके फार्मूला को देख लूं कि फार्मूला मेरे पास ये ठीक लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये बेटा ब्रैकेट्स नहीं आते, ठीक हो गया, इसके बाद ए वन आर की पावर एन माइनस वन ब्रैकेट्स हैं ब्रैकेट्स हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं इसको
एस एन किसकी इक्वल आ गया 2/9 इंटू 10 इंटू 10, इसकी पावर n, इसकी पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर n प्लस 1। ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -10 डिवाइडेड बाय 9 और ये -10। इसका एलसीएम ने एस एन क्या आ जाएगा 2/9 10 की पावर n प्लस 1 -10 -9n डिवाइडेड बाय 9। इस 9 को यहां पे मल्टीप्लाई करें तो एस एन क्या आ गया 2/81 इंटू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर ले 10 एन प्लस 1 -10 -9n, ये आपका आंसर है। क्लियर होगी बात बेटा, एक बार फिर इसको मैं रिपीट करवा दूंगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5.50 बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5.51 रिलेटेड टू अबव क्वेश्चन। एक बात तो बेटा खास ख्याल रखें कि फार्मूलाज को अच्छे से याद करें, फार्मूला अच्छे से याद करेंगे तो कभी स्किप नहीं होंगे। यहां पर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी तो मैंने इसको दोबारा देख के करेक्ट कर लिया कि आपके पास ब्रैकेट में क्वांटिटी होती है। एक बार फिर आपको इस चीज को बता दूं कि सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ था इस सीरीज को सम करें, ठीक है, अभी तक मुझे हाल की घड़ी में नहीं पता था कि ये किस कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। स्टूडेंट्स के सवाल ये होता है कि सर क्या हम यहां से लेकर इसको चल सकते हैं? बेटा यहां से लेकर आप नहीं चल सकते क्योंकि ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन रहा। क्यों? ये वन है पहले, आप कहते हैं 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 आ गया, फिर 11 से करें तो यहां पे 1 तो नहीं आना चाहिए ना, या 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 1 आना चाहिए, ऐसे ही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको 10 की फॉर्म में लाने की कोशिश की। उस 10 की फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूं, मेरी बात ये गौर से सुनिएगा कि आपने हर सवाल में से इसको पहले 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जो भी इसका सवाल आएगा चाहे आपके नेक्स्ट पॉइंट्स वाले पार्ट्स में, उनमें भी आपने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, क्योंकि जब हम 9 लिखेंगे तो 10 माइनस 1 आपके पास वो 9 की फॉर्म में पूरी सीरीज आ जाएगी। आपने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया इस पूरी सीरीज को, अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ गई। फिर मैंने बताया कि इस 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं 99 को 100 माइनस 1 की फॉर्म में, ये सारा। फिर मैंने 10 वाले सारे नंबर्स को जो टेंस में थे उनको सेपरेट किया, 10, 100, 1000, 10,000 को सेपरेट और माइनस 1 वाले को उलटा। तो ये मेरे पास देखें अब एक प्रॉपर सीरीज बन गई थी कि जो 10 से मल्टीप्लाई होके अगला नंबर दे रही थी। फिर माइनस कॉमन ले लिया, यहां से सारे वन्स को ऐड कर लिया, ये सारे के सारे वन, ये जितने भी वन थे इन सब को ऐड करें तो कब तक आते हैं, एंड टर्म्स तक आते हैं। कहां तक आते हैं, एंड टर्म्स तक आते हैं। ये सारे के सारे जो थे ये सारे के सारे एंड टर्म्स तक, ये किसके इक्वल आते थे, इस एन के इक्वल आते थे, ठीक हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, इसको n लिख लिया और ये जो मेरे पास सीरीज थी इस पे मैंने सम ऑफ सीरीज का फार्मूला लगा लिया, जो कि क्या है, अगर r ग्रेटर देन 1 हो तो एस एन किसकी इक्वल है, ए वन आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद नहायत आसान तरीके से सिंप्लीफाई किया, दोनों बेसिस सेम थी, 10 10 थी, दोनों की पावर a की 1 a की n थी तो n प्लस 1 हो गया, -10 डिवाइड बाय 10 माइनस 1 9 और यहां पर एन एच डी एलसीएम या 9 एलसीएम या ऊपर की टर्म सेम और ये वाली टर्म 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दी, आपने सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया। इसी तरीके से बेटा ये आपके बाकी 3 सवाल होंगे, इसका एक पार्ट रहेगा, इसके 2 पार्ट है, उनको घर में काइंडली प्रैक्टिस करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड कोई सवाल हो तो यू कैन इजीली आस्क विदाउट एनी हेसिटेशन बेटा, और ये सारा का सारा आपके प्रॉपर वे में सवाल होगा। एक बात बार बार बता दूं, कभी भी एग्जाम में बैठे गलती मत करिएगा, यहां से सीरीज को मत शुरू करिएगा, यहां से सीरीज को आप सम मत करवाइएगा। इसमें लाजमी है कि आपने 10 की फॉर्म इसको चेंज करना है, तब ही आपके पास एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी और आप उसका प्रॉपर तब ही उसी सूरत में सम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह ने के बाद।